हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार फाइनली, जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे वोटिंग है सेंसिटिविटी के ऊपर दिया कि आप सेंसिटिविटी पे वीडियो बनाओ। फिर सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा, बट जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, वन शॉट विद ग्लूवल सेटअप, ग्लूवल किट्स एंड ट्रिक्स, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, लेकिन आप लोग तो सेटअप ग्लूवल तो लगा लोगे, बहुत ईजी है, बट वन शॉट के लिए आपका सेंसिटिविटी परफेक्ट होना चाहिए। कैसे परफेक्ट करना है उसके बारे में आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, बट आपका एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। और एक्यूरेसी इंक्रीज में अगर इस वीडियो में बताऊँ तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार कैसे इंक्रीज करें अपना एक्यूरेसी, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि मोबाइल की सेटिंग में जाके उसको मतलब पूरा फुल सेटअप करना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। और उन सभी वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं परफेक्ट सेंसिटिविटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट सेंसिटिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप लोग न्यू प्लेयर्स हो तो आप लोगों को सेंसिटिविटी पूरा लो करके रखना है, और जितने लो सेंसिटिविटी में आप लोग खेलोगे उतना ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे तो आपका गेम का सेटिंग एंड्रॉइड ही रखना है, और एप्लीकेशन का सेंसिटिविटी आपको जीरो रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ क्लाइड जी Q1, बट आप लोग अगर पांडा माउस प्रो यूज़ कर रहे हो तो पांडा माउस प्रो का POV स्पीड आप लोगों को जीरो रखना है, ओके। तब आप लोगों का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और आप लोगों का जब स्लो हो जाएगा तब आपका बॉडी लगेगा, ये नहीं कि हाँ भाई डायरेक्ट हेड लगने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप लोगों का सेंसिटिविटी जीरो है तब आप लोगों का फर्स्ट तो बॉडी ही लगेगा, जितना भी आप लोग ड्रैग कर लो बॉडी बॉडी ही लगेगा। तब आप लोगों को खुद लगेगा यार मेरा जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। जब आप लोग बहुत टाइम तक प्ले कर जाओगे उसके बाद तब आप लोगों को अपना सेंसिटिविटी वो इंक्रीज़ करना है, एंड जस्ट जब आप लोग अपने सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हो तब आप लोगों का गेम प्ले नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं 15 पे बहुत ही कम सेंसिटिविटी था, बट उसमें मैंने अभी खेला बॉडी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट मेरा परफेक्ट सेंसिटिविटी यहाँ पे 25 है, एंड जस्ट मैं 25 पे खेलता हूँ तो यार क्या ही नेक्स्ट लेवल का हेडशॉट मेरे से लग जाता है। तो आप लोग भी यहाँ पे सबसे फर्स्ट ना हाई सेंसिटिविटी पे खेलना है ना लो सेंसिटिविटी पे खेलना है, खेलना है एकदम मीडियम सेंसिटिविटी पे, ओके, जिससे आप लोगों का हेडशॉट बहुत इजीली लग जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेटअप ग्लूवॉल के बारे में। तो यहाँ पे जब आप लोग सेटअप ग्लूवॉल लगाते हो तब आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेटिंग करना पड़ेगा, जो आप लोगों का यहाँ पे रन वाला सेक्शन है, साथ में यहाँ पे क्राउच जब करते हो वो, एंड साथ में यहाँ पे ग्लूवॉल वाला, ओके। तो यहाँ पे ग्लूवॉल के लिए यहाँ पे सेटअप ग्लूवॉल जब आप लोग यूज़ करते हो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे माइक्रो यूज़ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपल बेसिक दो की मैप करना है। फर्स्ट की मैप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये की मैप आप लोग पांडा माउस प्रो में भी कर सकते हो, चाहो तो ऑक्टोपस एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हो, बस आप लोगों को सबसे फर्स्ट आप लोगों को एक की को ले लेना है, एंड एक की लेने के बाद आप लोगों को माउस टू बटन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ग्लूवॉल के लिए बहुत ईजी की है, तो आप लोग माउस टू ही यूज़ करो, एंड जस्ट आप लोगों को एक और बटन ले लेना है, एंड जस्ट उसमें भी माउस टू प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को माइक्रो वाइक्रो नहीं लेना, बस आप लोगों को दो बटन एक क्लिक से यूज़ ईजिली कर लेना है। तो अब यहाँ पे इसका ये काम है कि अगर आप लोग एक बटन ही प्रेस करोगे, माउस का राइट वाला बटन प्रेस करोगे, तब आपका ये ग्लूवॉल भी ले लेगा और साथ में बैठ भी जाएगा, और इसमें थोड़ा भी डिले नहीं होने वाला है। और अगर आप लोग माइक्रो यूज़ करते हो इसमें आप लोगों को डिले देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखो, अभी मेरे पास ग्लूवॉल भी है, तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ। जस्ट एक क्लिक किया, देखो ये ग्लूवॉल भी ले लिया और साथ में इंस्टेंट बैठ भी गया। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को क्लियर व्यू नजर आ रहा होगा, एंड साथ में जस्ट फायर करोगे तो आपका सेटअप ग्लूवॉल लग जाएगा। तो सबसे मेन है यहाँ पे एक्यूरेसी, अगर आप लोगों का बेस्ट एक्यूरेसी है और सेंसिटिविटी भी परफेक्ट हो जाएगा तब आप लोगों का वन शॉट के साथ इजीली सेटअप ग्लूवॉल लगा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया
यार कैसे आप लोगों का मतलब सेंसिटिविटी परफेक्ट करना है, और साथ में यहाँ पे सेटअप ग्लूवल के लिए क्या सेटिंग है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट रहता है एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी में यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक्यूरेसी को कंट्रोल करना, इसीलिए यहाँ पे एक्यूरेसी का भी यहाँ पे सेटिंग्स है, जो आपके फ़ोन के सेटिंग से जाकर उसको पूरा फुल सेटअप करना पड़ता है। तो उस टॉपिक पे भी वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को सेटिंग करना है, जिससे आप लोगों का एक्यूरेसी भी है वो भी परफेक्ट हो जाए, जैसा भी आप लोग स्क्रीन पर गेम प्ले देख रहे हो कि क्या ही नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले चल रहा है। तो उन सभी वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में ही अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आप लोगों को मेरा गेम प्ले अच्छा लग रहा है तो यार दूसरे चैनल पर मैं ओनली गेम प्ले ही अपलोड किया करता हूँ, तो यार उस चैनल को भी विजिट ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने अभी उस पर लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड किया था सोलो वर्सेस स्क्वाड का, जिस पर मैंने VR रैंकेड में यार पूरे 15 किल किए थे और साथ में वहाँ पे 13 हेडशॉट भी शामिल था। गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था। तो यार इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो भी लगा दूंगा, आप लोगों को ज़रूर ज़रूर एक बार उस वीडियो को वॉच कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए